श्री नैना देवी विधानसभा चुनाव के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोंडावाला के गांव किक्करवाली के बाशिंदे आजादी के लंबे अरसे के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बख्तावर सिंह, अमरचंद रवि कुमार सोनी, जोगिंदर सिंह, अमर सिंह, बलदेव सिंह आदि लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि बहल किक्कर वाली सड़क जो कि अरसा 12 से 13 साल पहले बनी थी और इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी इस सड़क का दोबारा से कोई भी रिपेयर या टायरिंग का काम न होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर जाता है। क्या कभी इस सड़क पर कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया? अगर आया तो इस ओर उसका ध्यान क्यों नहीं आया? ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में कई बार विभाग को अवगत करवाया गया लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क मार्ग पर गाड़ी चलाना मुश्किल है और बड़े बड़े खड्डों की वजह से गाड़ियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हर घर को पीने के लिए पानी के नल लगवा रहा है तो ग्रामीणों का कहना है कि आज भी लगभग 20 साल से हमारे गांव में कोई भी नल नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने अपने निजी बोरवेल लगा रखे हैं लेकिन वोल्टेज की समस्या होने से उनकी मोटर और बिजली के अन्य उपकरण नहीं चलते हैं। इस बारे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि उनकी समस्या का हल जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि गरीब लोग अपना जीवन ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। सोलन, जिसे मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, इस शहर में जहाँ एक और मशरूम लगाने की विधि के बारे में जानकारी दी जाती है, वहीं जो मशरूम उत्पादक हैं उन्हें मशरूम रिसर्च सेंटर में सस्ते दामों पर खाद भी उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन अब इस कंपोस्ट यूनियन को जहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते मशरूम उत्पादकों में काफी रोष भी देखा जा रहा है। अपना विरोध दर्ज करने के लिए सोलन में मशरूम ग्रोअर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन ठाकुर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कंपोस्ट यूनिट को सोलन में किसी अन्य जिले में शिफ्ट न किया जाए, इसको लेकर मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की। विरोध दर्ज करते हुए मशरूम ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन ठाकुर ने कहा कि सोलन स्थित कंपोस्ट यूनिट में सिरमौर, बिलासपुर, किन्नौर और शिमला है। इस यूनिट को बड़े स्तर पर चलाने के लिए 4 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए थे, यहां तक कि भूमि पूजन भी किया गया था। लेकिन अब पता चला है कि इस यूनिट को सोलन से मंडी शिफ्ट किया जा रहा है, जो तर्क संगत नहीं है। इसलिए सभी मशरूम उत्पादक चाहते हैं कि मशरूम का कंपोस्ट यूनिट यहां से शिफ्ट न किया जाए। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट चल रहा है, सभी सभ्य नागरिक अपने घरों में से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के मुखिया और मंत्री और उनके कार्यकर्ता नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार अपने कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगाएगी तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे प्रदेशवासियों के लिए नया क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं ताकि वे भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से बच सकें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार काम नहीं कर रही बल्कि वे हेलीकॉप्टर पर यात्राएं कर आनंद कर रही है, बाकी समय में उत्सव मनाकर नाटियां डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि ना समझ प्रदेश सरकार लॉकडाउन को लेकर असमंजस में है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, जिस पर सारे प्रदेश की सुरक्षा का दायित्व था, उसका निदेशक जेल में है, उस स्वास्थ्य विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में कौन इस मामले में जांच करेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश के मंत्री कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री धर्मशाला में जाकर
खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य घोटाले की जन्मभूमि सोलन है।